हेलो फ्रेंड्स, तो आप भी बनाएं हरे मटर और पालक की टेस्टी पकौड़े, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे शर्मा ऑफिशियल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग के साथ लेके आए हैं पालक और हरे मटर की ज़बरदस्त रेसिपी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, तब हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, तो इन सभी को हम डाल देंगे इसमें। अब 15 से 20 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे बॉईल हो गया है, अब इसको हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ठंडा हो गया है, अब इसको हम एक मिक्सर के बर्तन में डाल के पीस लेते हैं। तो अब इसमें हम 2 मिर्च डाल के एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पीस लिया है, तो अब एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे पेस्ट को। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसका बढ़िया से पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो इसे दरदरा भी रख सकते हैं। तो जो कि हम इसका पकौड़े बना रहे हैं, तो आप इसे हल्का दरदरा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटी कटोरी से बेसन ले लेंगे। अब यहाँ पे मकई का आटा ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ये भी हम एक कटोरी ले लेंगे। तो अब इसमें हम ले लेंगे एक छोटा, हमने बारीक प्याज काट लिया था, यहाँ पे हमने बड़ा नहीं छोटा ही प्याज लिया था। तो जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सारी चीज़ें जब बराबर रहती हैं तो कोई भी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा खड़ा जीरा ले लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पाउडर ले लेंगे। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 मिर्च हरी पीसी है, इसके लिए हम थोड़ा ही यहाँ पे लें। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप यहाँ पे और तीखा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच चाट मसाला ले लेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ पे हम गरम मसाला ले लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले लेंगे। अब यहाँ पे बारीक कटा हरा धनिया हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ढेर सारा हरा धनिया लिया है, क्योंकि ये पकौड़े हमें हरा भरा ही बनाना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हर स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए अब इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं बेसन की जगह। तो हल्दी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और वैसे ही देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हरा भरा एकदम। तो इसलिए यहाँ पे हमने हल्दी नहीं डाला है। तो इसका जो कलर है देख सकते हैं आप, इतना ग्रीन ग्रीन बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने इसमें हल्दी नहीं डाला। अगर आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मिलाने से पहले ही हमने गैस पे तेल रख दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। तो अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो टाइम भी लगेगा पकने में। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल देखिए गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी इस तरह से छोटे छोटे डाल देंगे भजिए के शेप में। वैसे आप बड़ा छोटा अपने अनुसार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है ताकि बढ़िया क्रिस्पी ये फ्राई हो। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको उलट पलट के दोनों तरफ बढ़िया से इसको क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों तरफ बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो एकदम कुरकुरे फ्राई हुए हैं। अब इन्हीं तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी को फ्राई करके निकाल लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने 2 मिर्च भी फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी सुबह के नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं, हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और कम टाइम में बनके तैयार भी हो जाता है। तो हमारी गर्मा गर्म मटर और पालक की ये पकौड़ी आपको कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस सीजन में इस तरह की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इसे बिना चटनी के भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ही कुरकुराए बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आसान रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।